यूपी के मुजफ्फरनगर में दरिंदगी की सभी हदें पार। मुस्लिम छात्र के चांटे लगवाने वाली महिला शिक्षिका के वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया है। वीडियो मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र खुबापुर गांव का है। महिला शिक्षिका का नाम तृप्ता त्यागी है। बताया जा रहा है यही महिला टीचर स्कूल चलाती है। शुक्रवार को ट्विटर पर वायरल हुए इस महिला शिक्षिका के वीडियो ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। वायरल वीडियो में शिक्षिका क्लास में चेयर पर बैठी है। वह आगे खड़े मुस्लिम छात्र को क्लास के अन्य छात्रों से पिटवा रही है। छात्र शिक्षिका के कहने पर एक एक कर आगे आकर छात्र को चांटे जड़ रहे हैं। छात्र जोर जोर से रोता है, लेकिन फिर भी महिला शिक्षिका को बच्चे पर जरा सी भी दया नहीं आती है। दया का भाव तो छोड़ो, वह बच्चों को ये भी कहती है, क्या मार रहे हो और तेज मारो। वह एक एक कर क्लास में बैठे सभी छात्रों से चांटे लगवाती है। महिला के साथ एक युवक भी बैठा है, जिससे वह धर्म विशेष पर चर्चा कर रही है। ट्विटर पर वायरल होने के बाद इस महिला शिक्षिका की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है। पुलिस भी एक्शन में आ गई है। पिता की तहरीर के बाद महिला टीचर के खिलाफ छात्र की पिटाई मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। इस शर्मनाक घटना पर कई नेताओं ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है, मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य है, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता ने भी ट्वीट किया है कि नफरती टीचर तृप्ता त्यागी के विरुद्ध तहरीर दी जा रही है। कल सुबह सूरज की पहली किरण से पहले अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहिए। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र डिजिटल के साथ।